यहाँ पर हर तरह के उलूम का और हर तरह के मौजूदात पे यहाँ पर किताबें हैं। अगर यहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है तो वहीं हमारे यहाँ रामायण भी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ये रामायण पर्शियन में ट्रांसलेट की हुई है, जिसको सुमेर चंद ने ट्रांसलेट किया है 1714 में, और इस एतबार से ये इम्पॉर्टेंट है जो रामायण का नुस्खा हमारे यहाँ है कि इसके बहुत से अवराक जो हैं वो सोने से सजाए गए हैं। और एक ख़ास चीज़ यह भी है कि इसकी इब्तिदा, जैसे कि आमतौर से हिंदू धर्म की किताबों में श्री गणेश आइनमा से इसकी इब्तिदा होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो रामायण रखी हुई है इसकी शुरुआत जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होती है। और ये पेज आप देखेंगे कि बहुत ही सोने के पानी से सजाया गया है। और एक ख़ास चीज़ इसमें यह भी है कि शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इसकी इब्तिदा होती है अल्लाह ताला की तारीफ से, जिसमें वहदहु ला शरीक के लफ्ज़ से, हालांकि लिखने वाला ट्रांसलेट करने वाला एक नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो लिखता है कि वहदहु ला शरीक के नाम से मैं इस रामायण की इब्तिदा करता हूँ। और वो लिखता है कि तीन रामायण दुनिया में पाई जाती है, लेकिन श्री राम जी को सबसे ज़्यादा वाल्मीकि रामायण पसंद थी। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चूंकि रामपुर का नाम एक तरीके से श्री राम से जुड़ा हुआ है, तो रामपुर का भी बहुत सौभाग्य है कि आज हम लोगों को भी वहां से जुड़ने का मौका मिल रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहां पर एक श्री राम के ऊपर पूरी प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है, जिसमें सभी तरीके की जो हमारी पांडुलिपियां जो रामायण से रिलेटेड हैं वो सब यहाँ पर रखी गई हैं।